तो जी हाँ दोस्तों, आईसीआई ने अपनी एग्जाम्स पोस्टपोन कर दी है, ये ऑफिशियल न्यूज़ है। और आपको अब चिंता करने की कोई बात नहीं है और आराम से अपने घर बैठिए, बाहर ना निकलिए, क्योंकि कोविड-19 बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। और पढ़ाई भी अच्छे से करिए, आराम से करिए, धीरे धीरे करिए और ज़्यादा टेंशन ना ले, फैमिली के साथ टाइम बिताए। तो जो पोस्टपोन एग्जाम्स है वो कुछ इस प्रकार है। फाउंडेशन कोर्स का जो एग्ज़ाम है अंडर न्यू स्कीम, दैट इज 27th को पहला पेपर होगा, 27 जून को, और 29 जून को दूसरा पेपर होगा, 1 जुलाई को तीसरा पेपर होगा और 3 जुलाई को चौथा पेपर होगा। इस प्रकार आपका फाउंडेशन का एग्जाम के डेट्स डिवाइड किया है उन्होंने। और इंटरमीडिएट कोर्स का जो न्यू स्कीम है वो ग्रुप 1 का पेपर पहला होगा 20th जून को, दूसरा होगा 22 जून को, तीसरा होगा 24 जून को और चौथा होगा 26 जून को। और ग्रुप 2 का पहला पेपर होगा 28 जून को, दूसरा पेपर होगा 30 जून को, तीसरा पेपर होगा 2 जुलाई को और चौथा पेपर होगा 4 जुलाई को। इस प्रकार सीए इंटर के उन्होंने डिवाइड किया है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार डेट्स ये है। और कोविड-19 को मद्देनजर रखते हो। और जब फाइनल की बात करें तो फाइनल के एग्जाम्स हो रहे हैं 19 जून से स्टार्ट। ध्यान रखिएगा फाइनल वाले स्टूडेंट्स, 19 जून से योर पेपर्स आर स्टार्टिंग एंड यू हैव टू बी वेरी एक्टिव इन योर प्रिपरेशन। ग्रुप 1 19 जून, 21st जून, 23rd जून एंड 25th जून। ग्रुप 2 27th जून, 29th जून, 1st जुलाई एंड 3rd जुलाई। और आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि यार घर में रहो, आराम से रहो, पेरेंट्स के साथ रहो, पढ़ाई करो, थोड़ा खेलो, मस्ती करो, बट घर के बाहर मत जाओ, क्योंकि ये कोविड-19 जो है बहुत ही फास्ट फैल रहा है और हमको इसको कंट्रोल करने के लिए अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा, अपने आप को लॉकडाउन करना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री ने भी यही कहा है कि बी सेफ, बी एट होम। सो इवन आई रिक्वेस्ट एवरीवन, whether it be my students or their parents, just be safe wherever you are. अपना खुद अपने साथ टाइम बिताइए, फैमिली के साथ टाइम बिताइए, ज़्यादा बाहर मत निकलिए। सिर्फ काम के लिए अगर कुछ है, जैसे मेडिसिन लाना या कुछ ग्रॉसरीज हैं, तो ही बाहर निकलिएगा, नहीं तो मत निकलिएगा। और सी ए फाउंडेशन वालों को मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि अब अपने पास बहुत सारा टाइम है, तो आराम से स्लो स्लो जाइए, ज़्यादा टेंशन ना लो। और अगर किसी का पोर्शन नहीं हुआ है तो हो जाएगा वो आगे, बट बाहर नहीं निकलने का, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का और अच्छे से पढ़ने का, क्योंकि जान है तो जान है, बाहर निकलोगे तो जान जाएगी, फिर क्या, ना सीए बन पाओगे ना कुछ। तो आराम से, टेंशन ना लो। गुड बाय।